नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, अम्बागढ़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टनेट मीडिया पर फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए छोटे से अंतराल के बाद अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आप कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन से? आप मतलब कर क्या रहे थे? कौन सा नया धमाका ढूंढ रहे थे आप हमारे लिए? देखिए, मैं तो आपको तो पता ही, मैं अंडरग्राउंड रहता हूँ। फिर कोई बड़ी चीज मेरी नजर में आती है तभी मैं बाहर आता हूँ। तो आज मैं बात करना चाहूंगा एक 11 ट्रिलियन डॉलर के घाटे की। और ये मैं सबको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इतने सालों से जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमने पाल के रखे ना, इतने दशकों से, उनका कच्चा चिट्ठा आज खोलेंगे। बिल्कुल सही। मतलब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज रही हैं, हमारे पास नोबल लॉरिएट्स रहे हैं, हमारे पास कौटिल्य शास्त्र आए, हमारे पास अर्थशास्त्र है, उसके बावजूद भी 11 ट्रिलियन डॉलर्स का हाइस्ट, मैं बोलूंगी, मैं इसे वो नहीं बोलूंगी, घाटा नहीं बोलूंगी, घाटा वर्ड ना वो मुझे हल्की फीलिंग देता है, हाइस्ट बोलूंगी। क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेस इतने हैं, हमारे पास ब्रेन पावर है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास मिनरल्स है, हमारे पास जो सोच सकती है दुनिया वो भारत के पास है, तो ये 11 ट्रिलियन लॉस। आज इंडिपेंडेंस डे है इसलिए आज डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि इसको मैं अंग्रेजों से कनेक्ट करती हूँ। इंडिपेंडेंस डे पर हाउ ब्रिटिशर्स पुल्ड ऑफ $45 ट्रिलियन हाइस्ट इन इंडिया। अंग्रेजों ने हमसे डकैती की 45 ट्रिलियन डॉलर्स की। और ये जो आप 5 आईज देखते हैं ना, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, ये सब उसी पैसों पे पले बढ़े हैं, सबने उसी पैसों का इस्तेमाल करके आज डेवलप नेशन बन गया। और हम आज अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वही अमेरिका है जिसने हमें, जब हमारे यहाँ भूखे लोग मर रहे थे, तो हमें वो गेहूं बेचा दिया जो वो जानवरों को खिलाते हैं। हमारे साथ ये सलूक हुआ है, और जब वो भी उस टाइम पर जब हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े तीर मारकर 11 ट्रिलियन की 11 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान करने में बिजी थे, despite the fact that we have had the best brains around. So Abhishek, ये 11 trillion dollar का loss या heist, मेरे भाषा में, ये कैसे हुआ? मतलब ये किस तरीके से हो गया? क्या हमारे पास लोगों की कमी थी, हमारे पास political will की कमी थी, या हमारे यहाँ गद्दार बैठे हुए थे? वैसे तो हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है, मतलब अच्छे दिमाग की भी और बुरे दिमाग की भी। जी अभिषेक जी, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले मेरा तो यही ओपिनियन है, मैं तो सिर्फ नंबर दिखाना चाहता हूँ। ऑब्वियस ये बात तो है कि हमारा देश जब आजाद हुआ, हमें सभी को पता है कि कम से कम 1991 रिफॉर्म्स तक हमने जो आर्थिक नीतियां अपनाई वो पूरी तरह से एकदम फेल रही, और 91 आते आते देश लगभग बर्बाद ही हो चुका था। बट मैं क्या चाहता था, और ये आइडिया मुझे इस अंग्रेजों वाली बात से ही आया कि अगर अंग्रेजों की वजह से हमारा 45 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता था कि कांग्रेस के राज में, क्योंकि 1947 टू 91 प्रैक्टिकली सब कांग्रेस का ही राज है, उस पीरियड में हमारा कितना लॉस हुआ, मैं ये जानना चाहता था। और मैं ये चाहता था कि उस पर कोई एक हार्ड नंबर खोजा जाए उसके बारे में। मतलब और अभिषेक, यही नंबर्स पर तो हम आएंगे, बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं बात करूं, दिस वॉज अ 44 ईयर पीरियड 1947 से 1991 तक का, और उनको मतलब 4.5 दशक लग गए और उनको इकोनॉमी समझ नहीं आई। इसका मतलब द पावर वॉज पास्ड ऑन टू रॉन्ग हैंड्स, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि देश कैसे चलाना है या फिर इकोनॉमी को कैसे संभालना है। मतलब दे वर प्लेइंग अराउंड, और वो भी तब जब वो पाकिस्तान को पैसे भी बांट रहे थे, बाय द वे, पाकिस्तान को भी पैसे दे रहे थे पैरेलली उनको सस्टेन करने के लिए। जी अभिषेक, आई थिंक व्हाइल यू डिस्कस द नंबर्स, आई हैव अ रिक्वेस्ट। उस टाइम की सबसे मेजर इकोनॉमिक फेलियर क्या रहे होंगे या रीजन क्या रहा होगा, प्लीज डिस्कस दैट एट द सेम टाइम। जी देखिए, ये एक पॉइंट मैं जिसके बारे में मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ कि बार बार हम लोग जब बात करते हैं, सबसे पहला तो 91 में कहा जाता है कि रिफॉर्म हुए, और उसमें कांग्रेस पार्टी आ जाती है, मुंह फाड़ करके बोलती है हमें क्रेडिट दो, हमने रिफॉर्म किया। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि किसकी पॉलिसीज को रिफॉर्म किया। मतलब अगर रिफॉर्म की जरूरत थी तो मतलब वो पिछली नीतियां गलत थी। अब दूसरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ये बात मेरी नई नई समझ में आई। हम लोग जब ब्लेम करते हैं, हम लोग बोलते हैं नेहरूवियन सोशलिज्म की वजह से ही हुआ, लोग कहते हैं लाइसेंस, कोटा, परमिट राज, और ये बात कई हद तक सही भी है। लोग क्यों नो, हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन ये जो टर्म है नेहरूवियन सोशलिज्म, इसमें दो पार्ट है, एक है नेहरूवियन, दूसरा है सोशलिज्म। हम लोग एक बहुत चालाकी भी की गई है उस समय कि बार बार कहा जाता है कि लाइसेंस, कोटा, परमिट की वजह से, वो बात सही भी है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो सोशलिज्म जो था वो सिर्फ भारत में था नहीं, था
पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में था, खासकर यूरोप के बहुत सारे देशों में, साउथ अमेरिका के बहुत सारे देशों में, बहुत सारे देशों में इसी तरह के, हो सकता है इंडिया जितना ना हो, बट काफी सिमिलैरिटी, काफी लाइसेंस कोटा परमिट होते थे, वहां भी सेंट्रल प्लानिंग चलती थी। तो फिर उनका इतना बुरा हाल क्यों नहीं हुआ जितना कि हमारा हुआ? तो मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना चाहूंगा कि लेट, हम लोग जब ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग की गलती थी, ठीक है सेंट्रल प्लानिंग की गलती थी, लेकिन सेंट्रल प्लानिंग की गलती से भी ज्यादा शायद प्लानर की गलती थी। ये जब हम कहते हैं ना कि सोशलिज्म की गलती है, आप सोशलिज्म पर क्यों डाल रहे हैं? जो प्लान कर रहा है उस पर डायरेक्ट दोष डालिए ना। जब हम कहते हैं कि सोशलिज्म की वजह से ऐसा हुआ, तो फिर हम लोग ऐसा कर देते हैं कि जैसे ये तो कोई दैवी योग है। लेकिन जिस तरह की पॉलिसीज भारत में अपनाई गई, उसी तरह की इकोनॉमिक सोच दुनिया के बहुत सारे देशों में थी, लेकिन हाल सिर्फ हमारा बुरा हुआ। इतना बुरा हाल किसी का नहीं हुआ जितना कि हमारा हुआ। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि सोशलिज्म के साथ साथ जिन्होंने उसको चलाया, जो देश को चला रहे थे, जो भारत रत्न जीत रहे थे, गलती सबसे ज्यादा उनकी थी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये ज्यादा बोली नहीं जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप बार बार देखिए, कहा जाता है लाइसेंस कोटा परमिट की वजह से। लाइसेंस तो बहुत देशों में मिलता है, लाइसेंस दुनिया के हर देश में होता है, लेकिन उस हर देश तो बैंकरप्ट नहीं हुआ, सिर्फ भारत क्यों हुआ? इसका मतलब है जो लाइसेंस दे रहा था उसकी गलती थी। सेंट्रल प्लानिंग तो बहुत सारे देशों में था, लेकिन वो सारे देश तो बैंकरप्ट नहीं हुए, हम क्यों बैंकरप्ट हुए? इसका मतलब है कि प्लानिंग को आप ब्लेम कीजिए, लेकिन साथ में जो बैठ के प्लान बना रहे थे, सबसे ज्यादा गलती उसकी थी। तो मैं ये बता दूं कि 4 decades ऑफ इंडिपेंडेंस में दुनिया से अपना जो गैप है उसको कम करना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग दुनिया से और भी पिछड़ते चले गए। जितने पिछड़े हम 47-50 में थे, उससे भी ज्यादा पिछड़ गए 91 आते आते। मतलब दुनिया जिस स्पीड से आगे बढ़ रही थी, उस स्पीड की बराबरी तो करना तो दूर की बात है, उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना तो एकदम दूर की बात है। हम और भी कम स्पीड से निकलने लगे, तो हम लोग और भी पीछे हो गए। और दूसरी बात यह है कि 71 से 91 का पीरियड मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये वही पीरियड है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह 71 में वो इकोनॉमिक एडवाइजर बनकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए, और दूसरी बात ये भी थी कि देश को रिपब्लिक बना 1950 में, तो 20 साल का ग्रेस पीरियड तो बनता ही है, उसके बाद से कैलकुलेट करना शुरू कर दें। तो अब आते हैं नंबर्स पर, और ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। वो ये है कि देखिए 1960 में अगर देखें तो बात, हमने सभी को पता है कि देश जब आजाद हुआ उस समय बहुत गरीब देश था हमारा, बहुत ही मुश्किल हालात थे। तो उस समय हार्ड नंबर्स पे आते हैं, एक इंडियन पूरे साल में कमाता था करीब $80। ये 1960 की बात है। मैं 1960 से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर्स वर्ल्ड बैंक डेटाबेस में 1960 से ही मिलेंगे, उससे पहले आपको मिलेंगे। तो उस समय एक इंडियन पूरे साल में कमाता था $80, और दुनिया में एक एवरेज इंसान कितना कमाता था? $450। काफी ज्यादा था, हमारा देश काफी गरीब था, ये बात तो हम सभी जानते हैं। पर अब हम जानना चाहते हैं कि उस दुनिया भी आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो 1960 में दुनिया के लोग $450 कमा रहे थे, 1991 आते आते वो $450 $4,500 हो गया। तो इस समय में उन्होंने 10 गुना तरक्की कर ली, 10 गुना उनकी इनकम बढ़ गई। तो कम से कम अगर हम लोग उसी स्पीड से भारत की भी तरक्की होती, तो मेरा $80 था तो वो कितना होना चाहिए था? वो भी 800 तो कम से कम होना चाहिए। अगर वो 450 से 4,500 जा रहा है तो मेरा 80 भी तो 800 होना चाहिए, कम से कम 10 गुना तो होना चाहिए, वो 10 गुना है तो मेरा भी 10 गुना। लेकिन हुआ क्या? अब आते हैं एक्चुअल नंबर पे। तो कितना था? होना चाहिए था 800, लेकिन हुआ कितना? 300। तो आप सोचिए, हम पहले ही गरीब थे, हम दूसरों के मुकाबले वो जितनी स्पीड से चल रहे हैं, हम लोग उनसे भी धीमी अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोग कितने पिछड़ गए। तो इसी तरह मैंने लॉस को कैलकुलेट किया, तो होना चाहिए था $800 मगर हुआ सिर्फ $300, मतलब पर इंडियन पर हेड हमारा लॉस कितना हुआ? $500। अब इस $500 को अब आप ये प्रति व्यक्ति हुआ ना, प्रति व्यक्ति $500 का नुकसान हुआ। इसी समय मैं चाहूंगा कि आप मेरा जो चार्ट है उसको साइड में आप दिखाएं ताकि सब समझ सके। इसका 1991 वाला दिखाऊं या 1971 वाला? 1991 का, क्योंकि हम तो अभी 91 की ही बात कर रहे हैं। जी, तो ऑब्वियसली मैं अप्रोक्सीमेट नंबर्स बोल रहा हूँ। इसमें इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा $4,500 वर्ल्ड पर कैपिटा जीडीपी आ गई 4,426, तो मैंने एग्जैक्ट नंबर्स के साथ किया है। और उस समय भारत की पर कैपिटा जीडीपी करीब $300 थी, जबकि होनी कितनी चाहिए थी? करीब $800। तो प्रति व्यक्ति पर पर्सन मेरा लॉस हुआ $500, ठीक है।
अब इसको भारत की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हर इंडियन पे $500 का नुकसान हुआ तो पूरे भारत में उस समय की पॉपुलेशन थी करीब 89 करोड़, तो उस समय की टोटल हमारी लॉस आती है $455 बिलियन की। तो आप सोचिए सिर्फ 1991 में ही $455 बिलियन कोई कम अमाउंट होता है, $455 बिलियन का लॉस सिर्फ 1991 में, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन रुकिए, अभी एक स्टेप और बाकी है। 1991 के $455 बिलियन राइट, तो आज के समय में वो कितना होगा? अब आप जाइए फेड, जो इन्फ्लेशन जो होता है अब उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए आखिरी कॉलम है इन्फ्लेशन फैक्टर। 1991 का $1 आज $2.31 के बराबर है, यानी कि ये जो 455 बिलियन है उसको 2.31 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1991 में $455 बिलियन का नुकसान आज 2024 में सोचे तो वो $1,052 बिलियन का लॉस होता है। के हिसाब से था तो 1991 का जो $1 है अब तो वो ज्यादा हो जाएगा ना, वो तो और भी उस समय का $1 आज के करीब $2.5 के बराबर है, तो इसलिए 455 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ गया उस फैक्टर से, तो फाइनल नंबर आया 1052 बिलियन, मतलब $1 trillion का नुकसान सिर्फ 1991 में। आप सोचिए 1991 आते आते हमारी पर कैपिटल जीडीपी कम से कम, सो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, पहली बात तो जब देश आजाद हुआ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दुनिया से ज्यादा तेजी से आगे बढ़े तभी तो कैचअप करेंगे, लेकिन मैं तो कैचअप करने की भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बाकी जिस स्पीड से चल रहे हैं हम भी उसी स्पीड से चलो, कम से कम इतना तो करो। अगर उतना भी कर लेते तो हमारी पर कैपिटा जीडीपी हो जाती $800, लेकिन हम लोग कहां पहुंचे $300। आप सोचिए पर पर्सन $500 का नुकसान, और $500 आज भी बहुत रुपए होते हैं, $500 उस समय तो बहुत था, आज भी $500 पर इंसान कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, तो इससे आप सोचिए पूरा $1 trillion का नुकसान। पर याद रखिए ये नुकसान सिर्फ 1991 का है, यही कैलकुलेशन मैंने 1990 के लिए दोहराया, तो उसमें आप फिर से उस शीट में देख सकते हैं, लाइन से आप देख सकते हैं, मैंने हर साल के लिए लिखा है $893 बिलियन का नुकसान 1990 में, 89 में फिर से 800, कैलकुलेशन का बेसिस वही है। हर साल में मैं चेक कर रहा हूं कि दुनिया की सेम स्पीड से हमारी भी तरक्की हो रही होती तो हम लोग कहां पहुंचते, तो आप देख सकते हैं कि हर स्टेज में जहां पहुंचना चाहिए था वहां से पीछे, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 1985 में हमें होना चाहिए था $495 $500 पे, लेकिन हम लोग थे $298 पे, तो देखिए हमारा नुकसान चल रहा है। उसी तरह 1981 में हमारा होना चाहिए था 481, लेकिन हम लोग फंसे हुए हैं 271 पे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हर साल कितना कितना नुकसान हो रहा है, तो ये करकर मैंने सबको ऐड किया फिर 71 से लेकर के 1991 तक, और ये पूरा जब ऐड किया तो पता चला टोटल लॉस है $11.24 trillion, जिसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 942 लाख करोड़ रुपए। 2G स्कैम तो 2 लाख करोड़ का था, ये 942 लाख करोड़ की बात हो रही है, मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। तो 942 लाख करोड़ कितना होता है, मैं आपको अंदाजे के लिए मैं बता सकता हूं कि इस साल अभी जो बजट पेश हुआ भारत की पूरी एक्सपेंडिचर इस साल में होने वाली है सिर्फ 50 लाख, 2024 में पूरे भारत की सरकार का यूनियन गवर्नमेंट का बजट है सिर्फ 50 लाख करोड़, और ये लॉस कितना है 942 लाख करोड़, लगभग 1000 लाख करोड़ के बराबर। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा नुकसान है। और जब हमने ये डेटा देखा तो जब आप डेटा को स्टडी करते हैं तो डेटा आपको सही दिशा दिखा रहा है या गलत दिशा दिखा रहा है, वो उसको समझने के लिए भी आपको देखना चाहिए कि कॉमन सेंस के साथ ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। तो हमने इस डेटा के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें देखी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप एकदम पुराने समय में चले जाए, 1971 में चले जाए, तो आप देखोगे कि 1971 के जो एकदम पुराना है तो वहां करीब $200 बिलियन का नुकसान हो रहा है,
71 में करीब 272 आते आते, हाँ तो इसमें आप देख सकते, हाँ देखिए 71 में लॉस है, आप देखिए 196 बिलियन मतलब 200 बिलियन, लेकिन देखिए 71 से 72 में जबरदस्त छलांग मारी 200 बिलियन से 267, फिर देखिए 73 में एक और बड़ी छलांग 300 के पार चला गया, 74 में 328, 75 आते आते 400, देखिए कितनी जल्दी बढ़ा, 200 से 400 हो गया कितनी जल्दी। अब आप याद कीजिए कि कौन सा समय था, 71 और 75 के बीच का समय, यही वो समय है जो इमरजेंसी के पहले का समय है, जब देश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जीडीपी ग्रोथ 1% पे आ गई, इन्फ्लेशन 28% पे चला गया, चारों तरफ कोहराम मच गया। तो आप देख सकते हैं कि 71 और 75 के बीच में देश की हालत बहुत तेजी से खराब हुई, और इसी बिगड़ते हुए हालात में अब सरकार जो थी इंदिरा गांधी की, वो खुद को थोड़ी ना ब्लेम करती, वो तो दूसरों पर ब्लेम करती, तो उसने इमरजेंसी लगा दी कि उन्होंने अगर देश को बचा नहीं सकते तो कम से कम लोगों का बोलना तो बंद कर सकते, कुछ कर नहीं सकते जनता, लेकिन जनता का मुंह तो बंद कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने 75 में इमरजेंसी लगा दी। तो आप देखिए 71 और 75 के बीच में देश की हालत कितनी तेजी से खराब। उसके बाद आता है डेटा का सेकंड फेज। अब आप देखिए 75, 76, 77, अब आप चलते जाइए ऊपर की तरफ चलते जाइए, तो आप देखिए हाँ हर साल नुकसान हो रहा है, काफी बड़ा नुकसान हो रहा है भाई, 400 बिलियन, 500 बिलियन, कोई उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, जैसा होता है ना नुकसान है तो हम उसे घटाने की कोशिश करते हैं, ये तो नुकसान बढ़ता जा रहा है, एंड दे आर नॉट चेंजिंग द प्लानिंग, दे आर नॉट चेंजिंग द प्लानर्स, दे आर नॉट टेकिंग इकोनॉमिक इफेक्टिव रिफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं, कोई उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है अभिषेक, ऐसा लग रहा था देयर वर सम पीपल हु एक्चुअली वांटेड दिस टू हैपन, कि ठीक है हमारे घर में तो आ रहे हैं ना, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, नो ब्लडी इंडियंस, ऐसे वर्ड्स तो हमने सुने हैं खुद अपने हिंदुस्तानियों के मुंह से सुने हैं। सो आई मीन दिस इज सरप्राइजिंग कि द लॉसेस वर इंक्रीजिंग एंड नोबडी वाज ट्राइंग टू स्टॉप इट, हमने हम ही हमारे देश के गिरवी रखा ना। हाँ, क्योंकि 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 जो पावर पर उनकी जो मोनोपोली थी वो तो बनी हुई थी और उनको वही चाहिए था, उससे ज्यादा देश का कुछ भी हो जाए उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये है डेटा का सेकंड फेज, ये है 75 और 85 के बीच में, 75 से 85, इसमें आप देखिएगा कि लॉस भी बहुत हो रहा है 400, लेकिन लॉस एक रेंज में है करीब 400 और 600 के बीच में, जो आपने 71 और 75 के बीच में देखा कि बहुत तेजी से नुकसान हो रहा है, 200 कल, आज 200 था कल 300 हो गया, परसों 400 हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है, वहां 75 और 85 के बीच में एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ है, 450 से 550 के बीच में फंसा हुआ है। सो 10 साल, तो ये 10 साल में ये नहीं हो रहा कि देश बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन नुकसान जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा था, कम से कम नुकसान और तेजी उतनी तेजी से बढ़ा नहीं, नुकसान सेम लेवल पे रहा, तो अब मतलब इतना ही बुरा चल रहा है इकोनॉमी, तो इसी को कुछ अच्छा मान लेते हैं कि चलो यार नुकसान हो रहा है, लेकिन हर साल नुकसान डबल तो नहीं हो रहा, हर साल ही कॉन्स्टेंट अमाउंट नुकसान हो रहा है, चलो इसी को अच्छा मान लेते हैं। सो 75 और 85 के बीच में एक स्टेबिलिटी सी रहती है, मतलब एक स्टेबल लॉस कर रहे हैं आप, लॉस तो कर रहे हैं लेकिन स्टेबल लॉस। सिमिलरली बिटवीन 81 टू 85 आल्सो वो वही सेम रेंज 400, हां उस समय आप देखिए, उस समय देखिए आप नंबर्स को देखिए, लास्ट कॉलम है 519, 456, 421, 471, देखिए एक ही रेंज में है सब नंबर्स, तो लॉस स्टेबल हो रहा है। लेकिन अब आते हैं देश के सबसे, व्हाट आई वुड कंसीडर द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 85 से आप देखिए क्या स्टोरी बनती है, और 85 में किसकी पॉलिसीज आ गई, राजीव गांधी, देश के सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब आप देखिए अभी तक तो स्टेबल था, अब आप 1985 का नंबर, एक से आप एक स्टेप थोड़ा नीचे जाइए और 85 का नंबर दिखाइए आप। सो 85 में था, 85 में देखिए 450 था, 86 आते ही आप देखिए 599, 600 हो गया, 87 आते आते 678, 88 आते हुए 775, 89 होते 800 क्रॉस हो गया, 1990 होते 900 हो गया, और 91 आते आते 1 ट्रिलियन क्रॉस हो गया। तो वही जो चीज हमने देखी थी 71 और 75 के बीच में कि देश की हालत पहले से ही खराब थी और बहुत तेजी से और बिगड़ती जा रही है, यही चीज आप राजीव गांधी के राज में देख सकते कि ये फाइनल कोलैप्स, देश का जो फाइनल कोलैप्स है वो शुरू हो चुका है, एकदम उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, वो आप 85 से आप इस डेटा में देख सकते हो। सो डेटा में तीन फेजेस है, 71 और 75 के बीच में बहुत तेजी से देश की हालत खराब होती है, ये इमरजेंसी के पहले का समय है, फिर 75 और 85 के बीच में लॉस जो है वो एक स्टेबल रहता है, लेकिन 85 में जब से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी पॉलिसीज जैसे जब से आनी शुरू होती है तब से देश का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब देखिए इस साल 500 था, अगले साल 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900, हर साल जंप करते जा रहे हैं, और 1991 आते आते
देश को चलाना ही इम्पॉसिबल हो गया। सो इससे आप समझ सकते हैं, और इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन भी है वो कैलकुलेशन सही भी है, क्योंकि वो हमारी जो कॉमन सेंस है उसके साथ भी मैच कर रही है, राइट? क्योंकि हमें पता था कि 71 और 75 के बीच में देश की हालत बहुत तेजी से बिगड़ी, वो आप देख सकते हो डेटा में, आपको दिखेगा 75 और 85 के बीच में रिलेटिव स्टेबिलिटी रही, लेकिन हमें पता है कि लेट 80s आते आते 85 86 से लेकर के 91 का जो इकोनॉमिक एडवाइजर भी तो तभी आए थे ना, मिस्टर मनमोहन सिंह जी इतने बढ़िया एडवाइजर थे। तो जहां तक मुझे पता है मनमोहन सिंह जी 71 और 76 के बीच में एडवाइजर थे, जो कि सबसे बुरा वक्त रहा। उसके बाद आई थिंक 80 के दशक में शायद वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, उसी में एक पीरियड रहा होगा, उसमें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी थे, बहुत सारे पोजीशंस में वो आते जाते रहे, लेकिन उनको क्या पोजीशन मिल रहा है, उनको क्या सम्मान मिल रहा है, उससे मुझे खास मतलब नहीं है। देश का कितना नुकसान हो रहा है मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। आई एम श्योर उनकी जो उनका जो करियर है वो बहुत ही चमक रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, वो करियर चमका है, लेकिन देश का इतना नुकसान ना करे। बट ये मुझे सबसे दिलचस्प ये बात रही कि वर्ष जो फाइनल जो उल्टी गिनती शुरू होती है वो राजीव गांधी के समय से शुरू होती है, वहां पर देश को अनसस्टेनेबल हो गया है, क्योंकि 500 था वो टॉलरेट हो रहा था, अब 500 से 1000 हो गया, डबल हो गया 3-4 साल में, तो उसको तो आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो ना, तो मतलब देश एकदम ही बर्बाद हो गया। व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग, व्हाट एग्जैक्टली वर दे डूइंग, क्या उस वक्त क्योंकि राजीव गांधी के टाइम से बहुत सारे स्कैम्स को कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारी उनकी पॉलिसीज को कनेक्ट किया जाता है, स्कैंडल्स को कनेक्ट किया जाता है, इज इट बिकॉज ऑफ देम या फिर मेजर रीजन क्या था इस वक्त में इतनी ज्यादा लॉसेस का? व्हाट आई वुड से इज कि होता क्या है ना, देखिए स्कैम्स, देखिए स्कैम अगर, क्योंकि राजीव गांधी वाज द पर्सन हु सेड ना हम 1 रुपए यहां से भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचता है, वो होता है। बट व्हाट आई वुड से इज कि देखिए एक देश कोलैप्स कैसे करता है उसके पीछे बहुत वजह होती है कि जो मान लीजिए आप एग्जाम में जा रहे हो, आप पढ़ के नहीं गए हो, राइट? तो जब एग्जाम आएगा तो आप फेल हो जाओगे। देखिए स्कैम उतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता, 11 ट्रिलियन डॉलर का स्कैम नहीं हो सकता। होता क्या है, अगर आपकी पॉलिसीज गलत है, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो कभी ना कभी एवरी फ्यू इयर्स कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। अगर देखिए आप जब प्लानिंग करते हैं आगे के लिए और आप सोचते हैं, मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं और आपने अपने घर में फायर अलार्म नहीं लगाया, ऐसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है कि अरे भाई रोज क्या आग लग रही है, लेकिन कभी ना कभी चलते चलते कोई इमरजेंसी आ गई, फिर आप कोलैप्स कर जाओगे। और यही चीज आप डेटा में भी देख सकते हैं। देखिए पॉलिसीज तो सेम ही थी, 60 और 80 के बीच में रफली सेम ही थी, लेकिन हुआ क्या 71 में, क्या हुआ 71 के बाद से देश में वॉर हुई, ऑयल शॉक आया, तो होता क्या है जब कोई एग्जाम आ जाता है, जब कोई चुनौती आ जाती है और आपकी पॉलिसीज गलत है, तो उस समय आप पूरी तरह आप बहुत बुरी तरह डूब जाते हैं। यही प्रॉब्लम है। लोग कहने को लोग कहते हैं कि नहीं वो तो बाहर की दूसरी वजह से मैं गिरा। आप दूसरी वजह से क्यों गिरे? क्योंकि आपने कभी प्रिपरेशन नहीं की। आप जब इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो फ्यूचर की, अगर आप ये बैठ के प्लानिंग करोगे कि मुझे तो नहीं लगता दुनिया में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, सब कुछ ठीक ही चलेगा, इसके असम्पशन पर अगर आप अपनी प्लानिंग करोगे तो आप डूबोगे। तो जब 70 और 75 के बीच में दुनिया में ऑयल शॉक आया, भारत में वॉर आया, तो हमने तो कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, हमारा सारा प्लानिंग इस बेसिस पे था कि सब कुछ सब अच्छा चलेगा, एवरीथिंग विल बी ग्रेट, कोई मुसीबत आएगी नहीं, तो ऑफ कोर्स मुसीबत आएगी, तो फिर हम डूब गए। हाउ डू यू सी, बिकॉज आप काफी निगाह बनाकर रखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज पे स्पेशली, हाउ डू यू सी द मोदी गवर्नमेंट डूइंग द प्लानिंग, आर दे मोर साउंड एंड मच मोर कैलकुलेटिव, क्योंकि कोरोना के टाइम पर कितने लोगों को घर बैठा, मतलब यू नो दे फेड वो वैक्सीन जो बाहर के देशों में, मतलब डॉलर्स का नाम मत लीजिए, ब्लैक में भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में बिक रही थी, उन्होंने फ्री में लगवाए ये लिटरली। सो हाउ डू यू सी दैट पॉलिसी? मतलब मेरे लिए तो ये मेन पैरामीटर्स है कि खाना दिया है कोरोना के टाइम पे, वैक्सीन एकदम सब्सिडाइज कूड़े के भाव में जिसको बोलेंगे, नहीं तो आप नॉर्मल क्लिनिक में जाइए तो वैक्सीन कितने रुपए में लगते हैं वो आप सभी को पता है। जी अभिषेक जी, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको आंसर प्रिंसिपल बस एक अपना थॉट कंप्लीट करना चाहता। तो जो हमने 71 और 75 के बीच में देखा कि बहुत जल्दी तेजी से हालत खराब हुई, वही चीज 85 और 90 के बीच में भी हुई। देखिए पॉलिसीज आपकी खराब थी, प्रिपरेशन आपकी थी नहीं, लेकिन कभी ना कभी कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। 85 और 90 में पूरी दुनिया में टर्मोइल आ गया, क्योंकि उस समय सोवियत इकोनॉमी भी कोलैप्स कर रही थी, दुनिया में कम्युनिज्म का फॉल हो रहा था। तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या, गलती क्या रहती है? गलती ये रहती है कि उन्होंने सारी प्लानिंग इस बेसिस पे चलाई कि सब कुछ ठीक चले, गड़बड़ नहीं होगा। तो जैसे ही कोई गड़बड़ होता है, वैसे फट से बलून फटा और सब कुछ चरमरा के गिर गया। हाँ, तो अब मैं आपने जो मोदी अभी जो मॉडर्न जो मोदी सरकार के टाइम का पूछा, तो इसका भी दरअसल मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है।
तो मोदी सरकार के टाइम में मैं एकदम क्लियरली बता दूं कि दुनिया की जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है उनके हिसाब से यही यही कैलकुलेशन आप फिर से कर सकते हो, इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं उनके हिसाब से। तो मैं एकदम सीधे नंबर बता देता हूं, 2004 में भारत की जो पर कैपिटल जीडीपी थी वो विकासशील जो देश कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज उनके हिसाब से 35% पर थी, और 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार है, और 2014 आते आते वो 35% आपको क्या लगता है वो आगे बढ़ा या कम हुआ आपके व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, वो 35% हो गया 30%। तो अब आप कह सकते हैं लेकिन यूपीए के काल में तो हमारा पर कैपिटल जीडीपी काफी आगे बढ़ा। हाँ बिल्कुल, लेकिन दुनिया के जो बाकी देश हैं वो उससे भी ज्यादा बेटर कर रहे थे, हम अच्छा कर रहे थे। जैसे आईआईटी के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में मैंने तो बड़े मुश्किल सवाल बनाए भाई, मैंने तो 10 में से 8 सवाल आंसर कर दिए। हाँ लेकिन एडमिशन तो 10 में से 10 वाले को ही मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, यही होता है कॉम्पिटिशन। तो हमने अच्छा किया लेकिन दूसरों में हमसे भी ज्यादा अच्छा किया, तो इससे क्या हुआ एक्चुअली हम आगे नहीं बढ़े, हम पीछे चले गए। 35% पे थे, हम 30% पे आ गए। ठीक है, तो अब आप पूछ सकते हो कि इतना बोल रहा है मोदी भक्त है अभिषेक बैनर्जी, जरूर मोदी जी वाला नंबर छुपा रहा है। हाँ तो चलो अभी पता करते हैं कितना है अभी, तो 35 से 30 पे आ गए 2014 आते आते, तो आज कितना है, आज 39। तो बस इसी 3 नंबर में यूपीए की और मोदी सरकार की कहानी कैप्चर हो जाती है। तो हम 30 से 39 पे क्यों आए, इसका मतलब है कि दुनिया के जो विकासशील देश थे वो भी तरक्की कर रहे थे, हम भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अब हम उनसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जबकि यूपीए के काल में क्या हो रहा था, हम उनसे कम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यही तो असली असली जिंदगी में यही तो होता है ना कि आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पा रहे हो कि कदम से कदम नहीं मिला के चल पा रहे हो। हमें ऑब्वियसली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम दुनिया से ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। लेकिन तो यूपीए के समय में क्या हुआ, तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूं कि यूपीए का जब समय था, जब 2004 में जब यूपीए की सरकार आई, तब भारत की पर कैपिटा जीडीपी चाइना के 37% हुआ करती थी। तो अगर मतलब वो 100 रुपए कमा रहा है तो हम सिर्फ 37 रुपए कमा रहे हैं। तो 2014 आते आते क्या हुआ, वो 37% चला गया 19%। मतलब चाइना वाला 100 कमा रहा है तो हम 19 कमा रहे हैं 2014 में, तो आप सोचिए हम कितना पिछड़ गए। मतलब चाइना के मुकाबले हम लोग डबल गरीब हो गए 2004 और 2014 के बीच में। तब आप पूछेंगे कि अब क्या हुआ, अब क्या हालत है, इतनी कोशिश करके 10 साल में अब 19 से हम लोग 21 पर आए। बहुत कोई बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है 19 से 21 जाना, पर कम से कम पिछड़ तो नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं चाइना से मुकाबला करना आसान तो नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोग इतनी बुरी तरह तो नहीं हारे ना पिछले 10 साल में। यूपीए के काल में आप सोचिए हम 37 से 19 आधे पर आ गए, डबल गरीब हो गए हम लोग। मोदी जी के समय में हम लोगों ने कम से कम चाइना के सेम या उससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि हम 19 पे थे 21 पे आ गए, तो मतलब चाइना से एक कदम हल्का सा ही आगे, बट थोड़ा सा आगे, बट कम से कम पिछड़े नहीं। लेकिन यूपीए के काल में जो हुआ, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लोगों को समझने की, वो कहते हैं कि यूपीए के दौर में ज्यादा तरक्की हुई, लेकिन दुनिया के बाकी सारे देश उससे भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। और इसीलिए मेरा जो ये एनालिसिस है ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, बार बार मैं इस पे फोकस कर रहा हूं कि दुनिया के मुकाबले हम कहां हैं, हम दुनिया से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं या कम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यही मेरा सबसे कोर पॉइंट। और इसी में अगर आप देखो तो 71 और 91 के बीच में हम दुनिया से अगर कदम मिलाकर आगे चलते आगे बढ़ते तो हमारे पास $11 ट्रिलियन ज्यादा होते। वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन अभिषेक, वेरी इंटरेस्टिंग। पर मुझे ये लगता है कि ये क्या जानबूझ के किया गया या होने दिया गया, और दे वर जस्ट कंटिन्यूइंग के फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि देखिए जब आप दो, अब जैसे मैं मोदी सरकार की बात करती हूँ, इनके एक टर्म में क्या क्या कमी हुई, वी दे आर ऑलवेज एनालाइजिंग, दे आर ऑलवेज गोइंग बैक एंड इंट्रोस्पेक्टिंग, दे आर ऑलवेज गोइंग चेकिंग कि भाई हम जो कर रहे हैं नंबर्स निकालते रहते हैं, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इतना हो गया, हमारा पर कैपिटा इनकम हो गया, हमारा ये इतना हो गया, हमारा वो, मतलब वो रीचेक करते रहते हैं। जैसे आपने बताया ना 30 से 39% पे आ गए हम लोग, तो क्या इन लोगों के पास, जब इनके पास 4.5 45 years दे हैड एट अ स्ट्रेच, तो दे डिड नॉट गो बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट, वॉज इट डेलिबरेट, या फिर हिंदुस्तानियों की लाइफ की कोई कीमत नहीं थी? यहाँ पर हम भूखो नंगो घूमो कैसे भी करें तो उनको फर्क क्या, हम तो भाई हम तो रह रहे हैं आयाशी से, दूसरों हाँ
खट्टे में जाते, कल की बजाय आज चले जाए। जी देखिए, इसको डेलिबरेट तो मैं नहीं कहूंगा, बस मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ही हाई लेवल का इनकॉम्पिटेंस है। ये जो उनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रूलिंग क्लास है और वही पार्टी बार बार जीत के आ रही है और वही एस्टेब्लिशमेंट है और उसी की वफादारी में, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ये लोग अपॉइंट नहीं हो रहे, वफादारी के हिसाब से हो रहे हैं। फॉरगिव मी फॉर माय बीइंग, आई एम कटिंग यू डाउन इन बिटवीन, बट आप गलती एक बार करते हो। 45 इयर्स को अगर मैं करूं तो 9 लोकसभा इलेक्शन हो जाते हैं, राइट? इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। इसमें 3 generations, 4 generations निकल जाती हैं। तो क्या जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो पीछे जाकर एसेस और एनालाइज नहीं कर सकते हैं? हुए, आप सही कह रहे हो, 1971 का वॉर हुआ, 1947 का हुआ, 62 का हुआ, 71 का हुआ, मतलब चार हमारे साथ वॉर्स रहे हैं। वी हैव बीन एट कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम्स, सो मच सो कि हमारे पास जूते और चप्पल नहीं थे अपने जवानों को देने के लिए चाइना वॉर के टाइम पर। बट आई सी इट डेलिबरेट, इग्नोरेंट नहीं बोलूंगी, क्योंकि इग्नोरेंस नहीं होता, अरे खड्डे में जाए क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर में चल रही है ना हमारी दुकान। आई सी इट दैट वे, मे बी यू टेक इट इन अ वेरी नाइव वे और आई वुड से इनोसेंट वे, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज 45 साल बहुत होते हैं। मैं बोलती हूँ इग्नोरेंस में भी जाएगा तो 15 साल बहुत है, 20 साल बहुत है, 45 साल, आई मीन यू हैव सच इडियोटिक ब्रेन्स दैट 45 इयर्स आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है। लोग अब जो गरीब थे वो अमीर हो रहे हैं, जो अमीर थे वो गरीब हो रहे हैं, यू नॉट लुकिंग एट दैट। ये तो फिर मैं बोलूंगी डेलिब्रेट था, या फिर पैसे निकाल कर कुछ और हो रहा था शायद, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलेगा या हमें पता भी नहीं है वो पैसे कहाँ जा रहे थे। जी देखिए, इससे ज्यादा एलिगेशन से ज्यादा मुझे लगता है बात है इंसेंटिव की। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉलिटिकल पार्टी का इंसेंटिव क्या है, वो चुनाव जीतना चाहती है, जब तक वो चुनाव जीत रही है वो क्यों चेंज करे? उसको लगा उसके हिसाब से तो सब कुछ ठीक ही हो रहा था ना, क्योंकि वो बार बार चुन के वही, यू नो, उनका उनका उनकी डॉटर, डॉटर का बेटा, इनका एक बेटा, बहू, भाई, बहन सब बन रहे थे एक करके, तो उनको, उनके पास इंसेंटिव क्या था कुछ चेंज करने का? तो उनके हिसाब से तो सब कुछ बहुत ठीक ही चल रहा था। और जो इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री वगैरह भी होते हैं, उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, उनको वफादारी के बेसिस पे। तो वफादारी में तो वो जो आपका इंसेंटिव होगा उसी में तो आप अच्छा करेंगे ना। तो अगर आप जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, अगर उनका इंसेंटिव है कि वफादारी दिखाना, तो उसमें तो उनको A+ मिला ही हुआ है, मैं कहां मना करूं, मैं तो बोल ही रहा हूं, यू नो, वफादारी में तो ये लोग A1 टॉप पर क्वालिटी की वफादारी कर रहे थे। वफादारी क्या, चाटुकारिता बोल लीजिए, तो चाटुकारिता में तो A1 टॉप क्वालिटी, तो उन्होंने, तो उनका जो एम था वो तो उन्होंने अचीव कर लिया ना। तो फिर बाकी कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर देश कहीं भी जाए उनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो ऐसा है ना जैसे जिस बंदे को टेलरिंग आती है और उसको शेफ बना दो, राइट? उनको कुछ नहीं आता, बिकॉज़ यू हैड अ पोजीशन, एंड फर्क क्या पड़ता है, चेक करने वाला कौन था? सोशल मीडिया तो था नहीं कि आवाज उठाएगा, प्रिंट मीडिया कितना मजे से इंदिरा गांधी और बाकी के लोग संभालते थे, उन्हें भी पता था। आई मीन ऑब्वियसली देयर वर नो वॉइसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब तक अच्छा चल रहा है, चलो पावर में रहना एम है ना, पावर में तो रहे, उस हिसाब से वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सा, हाँ उनके हिसाब से तो सक्सेसफुल है। आज की डेट में अगर चाहे तो अफ्रीका पूरा खरीद सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास में, और क्या चाहिए? डीप स्टेट का सबसे बड़ा मोहरा तो वही है। यही चीज मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ ना, कि अगर आप कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो 47 से 91 जो देश का सबसे खराब पीरियड था, वो उनके लिए बेस्ट पीरियड था। इतना अच्छा वक्त उन्होंने कभी नहीं देखा, ये तो उनका बेस्ट पीरियड रहा ना। वो जब बैठ के सोचते हैं, वो क्या 2014-2019 वो क्या 99 सीट का सपना देखते, नहीं, वो सपना देखते 400 सीट का, जब उनको 400 सीट आया करती थी। देश का क्या हुआ, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट उनके लिए। इम्पोर्टेंट तो यही था ना कि पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी। पार्टी अच्छा कर रही थी, पैसे कमा रहे थे, पैसे हम भारत के बाहर भेज रहे थे, कहीं इकट्ठा कर रहे थे। आज की डेट में इतने पावरफुल हैं कि जो विदेशी महिला है, शी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो पावर बिना पैसे के तो आती नहीं है, वो तो पैसे से ही आती है ना वो पावर। तो तभी तो मैं कह रही हूँ इतना पैसा कमाया है 45 सालों में कि अफ्रीका खरीद सकते हैं वो लोग खड़े खड़े, मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ मनी दे हैव। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। अगर अभिषेक, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन द कंक्लूडिंग लाइन? आई जस्ट वांट टू ऐड कि ये जो नंबर है $11 trillion, इसको हमेशा याद रखें।
इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो यूपीएस स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, मेरे से अपनी एक्सपर्टीज रखना चाहते हैं मेरे साथ मेरे शो पर, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।